हेलो एवरीवन, संदीप लाइव व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। मौसम ठंडे का है तो हमारे गांव में जब मौसम ठंडा होता है तो एक डिश बहुत फेमस से बनाते हैं, पकौड़ी। हम लोग पकौड़ी बोलते हैं, बहुत जगह पकौड़ा बोला जाता है लेकिन हम पकौड़ी बोलेंगे क्योंकि हम लोग गांव से हैं तो पकौड़ी बोलेंगे। और आज पकौड़ी बनाएंगे हम लोग। और सारा इंग्रेडिएंट्स मैंने लेके तो आ गया है। तो ये है बेसन, 100 ग्राम का बेसन। अब मुझे थोड़ा सा प्याज चाहिए, ऑनियन। अगर आप अनियन और प्याज यूज़ नहीं करते हैं तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं? उसके अलावा कोई दूसरे सब्जी भी यूज़ कर सकते हैं। मैडम जी वहाँ हैं तो आज मैडम जी नहीं बनाएगी। ये देखो, ये हम लोगों का प्याज है, इतने सारे प्याज, इतने सारे प्याज। और युवराज बाबू भी यहाँ, खाओगे पकौड़ी? चलो चलो चलो, ये भी खाएगा। चलो तो हम लोग चूल्हा बनाएंगे, प्रॉपर चूल्हा में बनाएंगे, आग में, मिट्टी के चूल्हे। हम लोग बनाएंगे चूल्हे में। इंग्रेडिएंट क्या क्या बता देता हूँ। ये देखो, हमारे झारखंड का ये है, ये लोहा का बना है। उसके बाद ये बेसन, फूल गोभी का पकौड़ा। तो फूल गोभी है, इसको हल्का हल्का पीस पीस करेंगे और देंगे। हरी मिर्च, ये है धनिया पत्ता, एक कैंची मैंने रखा है धनिया पत्ता को। सारा इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं, ये सारा इंग्रेडिएंट्स एकदम रेडी हो गया है। और इसमें आप थोड़ा सा नमक डालेंगे और पानी डाल के इसको मिक्स कर देना ही है स्वाद के लिए। ये सब हो गया, नमक दे दिए। देखो, जो जो स्टूडेंट बाहर में रहते हैं इस तरह का रेसिपी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ये कितना अच्छा बन गया। ये बनाने में आपको मुश्किल से हार्डली कितना लगेंगे, 15 मिनट। और जो जो भाई लोग ऑफिस जाते हैं और जो मेरे वीडियो भी देख रहे हैं, आप लोग भी बना के ट्राई कीजिएगा। देखिए कुछ इस तरह से बच जाता है। देखिए चूल्हा जल गया, इसको भी सेटिंग कर दिया मैंने। मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये वाला तेल डालें क्योंकि इसमें इसका फ्लेवर थोड़ा सा बढ़िया आता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। डाल दिया मैंने, ज़्यादा नहीं डाले। ये पूरा गर्म हो गया है, अब यहाँ डालेंगे सबसे फर्स्ट वाला के लिए और एक यहाँ दे दिए और एक यहाँ दे दिए। ये जब हल्का हल्का भूरा रंग का हो जाए तब आप उसको उठा लेना है। ये जो बच गया है ना, ये हमारे यहाँ वेस्ट नहीं होता है। इसमें पानी मिलाएंगे और जो हमारे गाय हैं और बकरी हैं उनको पिला देंगे। देखिए ये दूसरा बैच, इतना सारा बन गया। देखिए और ये बैच है,